नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। बेटमा नगर के बेटमा पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम स्थानीय बियाणी गार्डन में आयोजित किया गया, जहां विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अभिभावकों का मन मोह लिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने प्रकृति प्रेम, जीव दया एवं मानवीय मूल्यों पर संवेदनशील नाटक के माध्यम से एक जागरूकता का संदेश भी दिया। मंगलवार को देर रात तक चले इस कार्यक्रम में 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष शशि जायसवाल एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य प्रफुल्ल कुमार शर्मा सर थे। विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने बेटमा थाना प्रभारी मीणा कर्णावत मैडम के साथ उनके स्टाफ से SI आशिक हुसैन सर, SI संदीप पोरवल सोलंकी सर भी पहुंचे। कर्णावत मैडम ने अपने विद्यार्थी जीवन के दिन याद करते हुए बताया कि उन्होंने 13 नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जीते हैं। एक महिला होने के नाते सभी छात्राओं से अनुरोध किया कि वे भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी महती भूमिका निभाएं। आपके अपने बेटमा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बेटमा का आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बेटमा के स्कूल के सभी जितने भी बच्चे थे उन्होंने बढ़ चढ़कर बेटमा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें बच्चों ने नाटक के माध्यम से प्रकृति को भी दर्शाने की कोशिश की कि हर पौधे, हर जानवर की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और उनका वहाँ पे भूमिकाओं में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इनको भी प्रस्तुत किया। साथ में सांस्कृतिक वेशभूषाओं का अपना डांस रखा बच्चों ने, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर। खबर समय जगत के लिए बेटमा से सुनील मेघाया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।